मैं शिखा श्रीवास्तव, मेरे चैनल टिप्स थिएटर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए बिल्कुल नया वीडियो लेकर आई हूँ, तो चलिए देखते हैं उस वीडियो को। दोस्तों, आज मैं आपको मच्छरों को भगाने का बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ। इसको बनाने में आपको बिल्कुल भी पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने नीम की पत्तियाँ ली हैं, कड़वे नीम की पत्तियाँ, जो कि हमारे वातावरण को शुद्ध करता है। नीम का पेड़, बस उसी की आपको पत्तियाँ लेना है। एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है नीम लीव्स में। साथ ही यहाँ पर मैंने लिया है कंडा। गाय के गोबर से बनाया जाता है कंडा। पुराने समय में दोस्तों, लोग कंडे को ही शाम के समय जलाते थे और उसका जो धुआं होता था, उस धुएं से मच्छर बिल्कुल ही भाग जाते हैं। आपने देखा होगा जब भगवान की पूजा में, हवन में कंडे को ही जलाया जाता है। तो दोस्तों, ये तो वातावरण को शुद्ध करता है, तो ऐसा ना सोचें कि अरे इसका धुआं, इसके धुएं से ही मच्छर भागेंगे। साथ ही इसमें हम मिक्स करने वाले नीम की पत्तियाँ। तो यहाँ पर मैंने नीम की पत्तियाँ ली हैं और नीम की पत्तियों को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है दोस्तों। और उसके बाद मैं इसकी डंडियों में से, इसके स्टेम में से, इसकी लीव्स को अलग कर रही हूँ। जितनी भी आप नीम की गोलियां बनाना चाहते हैं दोस्तों, उतनी पत्तियां आप इकट्ठी कर लें। नीम का पेड़ तो दोस्तों आजकल जगह जगह लगा रहता है, क्योंकि नीम का पौधा लगाना, पेड़ लगाना बहुत अच्छा होता है। हमारे आसपास की वातावरण की हवा को शुद्ध करता है नीम का पेड़। तो यहां पर दोस्तों, जो मैंने कंडा लिया है, ये मात्र 5 रुपए में 2 कंडे आ जाते हैं। आपको किसी भी पूजा के सामान की दुकान में भी मिल जाएगा। हमारे यहाँ जो पूजा के सामान की दुकान है, जहां पर हवन की सामग्री मिलती है, वहां से ही मैंने ये कंडा खरीद के लाया है। तो 5 रुपए में ये 2 कंडा है। और बस आपको क्या करना है, इस कंडे को थोड़ी देर पानी में भिगा देना है, ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए, बस मैंने भी इसे 2 टुकड़ों में तोड़ लिया है, पानी में भिगा दिया है, और मुश्किल से 5 से 10 मिनट में पानी में अच्छी तरह से सोख हो जाता है। और ज़्यादा जल्दी है दोस्तों, तो आप इसे पत्थर से क्रश कर लें। तो ये देखिए, मैंने भी इसे पत्थर से इस तरह से तोड़ लिया है। तो दोस्तों, इस बार मैं नीम की पत्तियों में ये जो हमारा कंडा है, या आप इसे गोबर का भी बोल सकते हैं, गाय के गोबर से ही ये कंडे को बनाया जाता है। तो इस कंडे को आपको क्या करना है, नीम की पत्तियों में मिक्स करना है। और जब हम नीम की गोलियां शाम के समय जलाएंगे, आप खुद सोचिए, नीम की पत्तियों का जो धुआं होता है, वो वातावरण को शुद्ध करता है। और इसके धुएं से जो मच्छर होंगे घर में, वो बिल्कुल बाहर निकलने के लिए कोशिश करेंगे, घर से बिल्कुल बाहर चले जाएंगे। ये ना सोचें कि कोई साइड इफ़ेक्ट होगा, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। कोई भी केमिकल की चीज़ का इस्तेमाल हम इसमें नहीं कर रहे हैं। ना पैसे खर्च करने की ज़रूरत है आपको, ना ही ये सोचें कि कोई साइड इफ़ेक्ट होगा। तो बस मैंने इतनी नीम की पत्तियां ले ली हैं, ग्राइंडिंग जार में डाल दिया है, 2 चम्मच पानी डाला है, और बढ़िया अच्छा फाइन पेस्ट तैयार करना है। तो ये देखिए, बस अब इसका ढक्कन लगा देंगे और इसे हम पीस लेंगे। इसके पहले भी दोस्तों, मैंने नीम की गोलियां बनाने का वीडियो शेयर किया था, परंतु इसमें मैंने जो कंडा मिलाया है दोस्तों, वो इस गोलियों को जलाने में आपकी मदद करेगा। और ये जो गोलियां जब आप शाम के समय जलाएंगे ना दोस्तों, तो कम से कम 2 से 3 घंटे तक के आप देखेंगे इन गोलियों का धुआं घर में रहेगा, असर घर में रहेगा। तो नीम की पत्तियों को बढ़िया अच्छा फाइन पीस लिया है, और इस बीच जिस कंडे को मैंने पानी में भिगाया था, हल्का सा पत्थर से कूट दिया है, वो भी बढ़िया सॉफ्ट हो गया। दोनों चीज़ों को आपको आपस में मिक्स करना है, नीम का पत्तियों का ये जो पेस्ट है दोस्तों, और साथ ही साथ ये जो हमने कंडा लिया है, जो कि अच्छी तरह से अब मैश हो रहा है, दोनों को मिक्स करना है और बस छोटी छोटी सी गोलियां बना लेना है। और इन गोलियों को आप 2 दिन धूप में सुखा सकते हैं। वैसे तो दोस्तों अब गर्मी का मौसम है, सिर्फ 1 दिन में ही गोलियां सूख जाती हैं। तो ये देखिए, इन दोनों को मैं मिक्स कर रही हूँ। आप चाहें तो हैंड ग्लव्स भी पहन सकते हैं। तो कंडा और ये जो नीम की पत्तियों का पेस्ट है, इस दोनों को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। अब आपको इसकी, आप चाहे तो चपटी चपटी गोलियां बना सकते हैं आप, या गोल गोल इसके बॉल्स बना सकते हैं। और बस अब इन्हें धूप में आप सुखा दें, अच्छे टाइट हाथों से गोल गोल बॉल्स बनाएं, और जब ये सूख जाएं तो किसी भी डब्बे में भरकर रख लें, रोज शाम के समय आप इसे जलाएं। तो बस दोस्तों, इसे सुखाने के लिए मैंने एक ट्रे ले ली है पुरानी सी, और उसमें ऐसे ही पुराना कागज, कोई सा भी कागज, आप न्यूज़पेपर ले सकते हैं, कुछ भी ले लें, ताकि आप इन गोलियों को सुखा सकें। ये आइसक्रीम की जो ट्रे है दोस्तों, ये जो हमारे आइस क्यूब की ट्रे है,
आप उसमें भी इसे जमा सकते हैं। इसके पहले मैंने आइस ट्रे में ही आपको नीम की गोलियां बनाकर दिखाई थी, परंतु आइस ट्रे कई लोग गंदा करना नहीं चाहते हैं या यूज़ करना नहीं चाहते हैं, तो उनके लिए यह है कि आप न्यूज़पेपर में, सादे पेपर में, किसी भी पेपर में आप इसे बना लें और बस धूप में सुखा दें। तो ये देखिए मैंने ट्रे में इसलिए रखा है दोस्तों, कई बार हमारे यहाँ भी बहुत तेज़ हवा चलती है तो हवा के प्रेशर से ये उड़ ना जाए, इसलिए मैंने थोड़ी सी गहरी ट्रे के अंदर इसे रख दिया है और कागज़ लगा दिया है और कागज़ के ऊपर अब हम इसे सूखने रखेंगे। और इतनी तेज़ गर्मी है दोस्तों कि सिर्फ एक दिन में ही ये सूख जाएंगी। आप चाहें तो दो दिन की भी धूप लगा सकते हैं और बस डब्बे में भर कर रखें, शाम के समय रोज़ आप इसे जलाएं। अभी मैं आपको इसे जलाकर पूरा दिखाती हूँ कि किस तरह से ये वर्क करता है। आप देखेंगे दोस्तों घर में एक भी मच्छर नहीं रहेंगे, ना मक्खी रहेगी, ना मच्छर, ना चींटियाँ, ना कॉकरोच रहेंगे। बहुत ही आसान तरीका है और गर्मी का मौसम आते ही दोस्तों मच्छर सबसे ज़्यादा हमें परेशान करते हैं और 10 बीमारियाँ साथ में लाते हैं, तो क्यों ना कुछ आसान तरीके से ही हम मच्छरों से बचने के कुछ उपाय करें। तो बस मैंने भी ये गोलियां इतनी सारी बना ली हैं, आप देख सकते हैं, रोज़ शाम को आपको जलाना है इसे, ये देखिए। और बस अब मैं इसे धूप में रख रही हूँ। तो दोस्तों आज मैंने दिन भर इसे धूप में रख दिया था, आप शाम के समय की शूटिंग है, जितनी गोलियां हैं सब सूख चुकी हैं। आपको भी मैं एक जलाकर भी दिखा रही हूँ, दूसरे दिन धूप लगाने की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ी क्योंकि अभी तो बहुत तेज़ धूप है। और बस कोई भी दिया ले लीजिए, हमारे पास तो ये हैंडल वाला दिया है दोस्तों, जिससे कि मैं एक एक गोली जलाकर अपने घर के हर कमरों में ले जाती हूँ, चाहे बच्चों का बेडरूम हो, हमारा ड्राइंग रूम, हर जगह पर एक एक बार आप इसके धुएं को ले जाएं, इस दिए को कुछ कुछ मिनट के लिए ले जाएं, क्योंकि ये तो बहुत देर जलेंगी, सुलगती रहती हैं दोस्तों। हमने कंडे का इस्तेमाल क्यों किया है? कंडे का इस्तेमाल इसलिए किया है ताकि नीम की गोलियां जल के ख़त्म ना होने पाए, सुलगती रहें। कंडे का इस्तेमाल आपने देखा होगा, कभी आपने कंडा जलाया होगा तो आपको पता होगा कंडा अंदर ही अंदर सुलगता रहता है, धीरे धीरे से उसमें से धुआं निकलता रहता है। ये धुआं हानिकारक बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये नीम की पत्तियों का धुआं है। नीम की पत्तियों का धुआं हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बिल्कुल नहीं है दोस्तों। नीम की पत्तियां तो बहुत ही शुद्ध होती हैं, बहुत सी दवाइयों में इनकी पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप देख सकते हैं मेरी गोलियां बढ़िया अच्छी सूख चुकी हैं, एक दिन की धूप में ही सूख गई हैं। बस जैसे मैंने माचिस की तीली लगाई अपने आप ये जल रही हैं। तो कंडा लगाने से दोस्तों हमें बहुत फ़ायदा हुआ है इससे कि ये गोलियां बहुत लंबे समय तक जलेंगी। तो आप देख रहे हैं मैं अपने हर घर के एक एक कमरे में थोड़ी थोड़ी देर के लिए इसे ले जा रही हूँ। सिर्फ एक गोली का ही इस्तेमाल करना है आपको, तो इसके धुएं से बल्कि घर में अच्छी खुशबू आ रही है दोस्तों, ये ना सोचे कि अरे धुआं भर गया है, ये देखिए। और इस धुएं से इसे आपको शाम के समय जलाना है दोस्तों। आपने देखा होगा मच्छर ज़्यादातर शाम को 6-7 बजे के करीब ही घर में आते हैं, दिन भर तो मच्छर दिखाई नहीं देते, जैसे ही शाम होती है मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाता है, तो शाम के समय ही आपको जलाना है। तो बस आप देख सकते हैं कैसे अंदर ही अंदर ये सुलग रही हैं ये गोलियाँ, और हर कमरे में मैं इसे ले जा रही हूँ। कुछ कुछ मिनट मैं रख रही हूँ अपने ये जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं हमारे घर की, वहाँ भी मैंने रख दिया है, सबसे ज़्यादा मच्छर वहीं से आते हैं हमारे यहाँ। और बस बाकी गोलियों को डब्बे में भरूंगी और मैं रख लूँगी, और फिर जब दोस्तों ये गोलियाँ ख़त्म हो तो आप तुरंत ही इसे बना लें। बहुत ही आसान तरीका आपके साथ शेयर किया है दोस्तों, 100% मच्छर आपके घर से भाग जाएंगे। बहुत ही बढ़िया तरीका है, कम पैसे खर्च करके हमने मच्छरों से छुटकारा पाने का बहुत आसान तरीका ढूंढा है। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक देना ना भूलें। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको करना है लाइक, साथ ही साथ मेरे चैनल टिप्स थिएटर को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा।